करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी के एक ट्वीट ने सियासत का नया मोर्चा खोल दिया है। रात करीब 2 बजे राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि उनके खिलाफ छापे की योजना बनाई जा रही है। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर सियासी संग्राम अब छिड़ चुका है और इस बीच सवाल ये कि क्या जाति के मुद्दे पर विपक्ष घिर गया था, इसीलिए सियासत को नया मोड़ देने के लिए ईडी का बहाना है। भाजपा के डीएनए में तानाशाही। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए। जो भाषण था बहुत दमदार और बहुत प्रभावशाली। जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अचानक राहुल गांधी को क्यों सताने लगी ईडी सीबीआई की चिंता? डर और शंका सबको बनी रहेगी और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं। उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अचानक राहुल गांधी क्यों ईडी को चाय बिस्किट का न्योता देने लगे? क्योंकि किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। कितना ये सरकार ईडी आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। पूरी की पूरी कांग्रेस ना पहले डरी है, ना आज डरी है, ना आगे डरेंगे। राहुल गांधी तुम्हारा दिमाग दिखाओ, अच्छा हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हारा दिमाग दिखना बहुत जरूरी है। दरअसल रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कल यानी 1 अगस्त की रात 1:52 पर एक पोस्ट किया। राहुल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जाहिर है कि 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं दिल खोलकर ईडी का इंतजार कर रहा हूँ, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। उस दिन 29 जुलाई थी जब राहुल गांधी ने लोकसभा में महाभारत कालीन चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को घेरा था। उस दिन राहुल गांधी ने कहा था कि पूरा देश बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गया है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। अब राहुल के इसी बयान और पोस्ट पर सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सहयोगी सरकार पर हमलावर है और एजेंसियों पर डराने का आरोप लगा है, तो बीजेपी इसे राहुल का डर बता रही है। भाजपा के डीएनए में तानाशाही। देख रहा था उस दिन कितना तिलमिला रहे थे चक्रव्यूह के भाषण। 2 बार प्रधानमंत्री जी अपने स्वभाव के विपरीत खड़े हुए डिस्टर्ब करने, 2 बार गृह मंत्री जी और फिर 2 बार राजनाथ जी। जो बची खुची चुनाव में इज्जत थी भाजपा की, 303 से 240 पे आ गई, इसमें 40 बेईमानी की निकाल दो तो 200 सीटें बची। मैं समझता हूँ देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी को अचानक ये पोस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी देर रात 1:52 पर। क्या राहुल गांधी को यकीन हो गया है कि वो किसी खास मामले में फंसने वाले और ईडी उस मामले में जल्द कार्रवाई कर सकती है, जैसे कि बीजेपी भी दावा कर रही है? ऐसे में इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पहले से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो
चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं, देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाय करना, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इनका बिल्कुल जो तरीके हैं, सोच हैं, वो बिल्कुल बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है, बहुत संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। तो डर और शंका सबको बनी रहेगी और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं होंगे। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, इस नारे के साथ राहुल गांधी की तस्वीर को कई दिनों तक कांग्रेस नेताओं ने अपना प्रोफाइल फोटो बनाकर रखा था, लेकिन आज बिना किसी सबूत, बिना किसी तथ्य के कौन डर रहा है, इस सवाल की धमक पूरे देश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस को हमेशा चौसर, चक्रव्यूह और शकुनी याद आते हैं। हम जब महाभारत की बात करते हैं तो हमें कन्हैया याद आते हैं। हम कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं। जिसकी जैसी भावना वो वही बोलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है। कांग्रेस की नीतियां किसान विरोधी रही है। इस दौरान नेहरू से लेकर इंदिरा राजीव गांधी तक के कार्यकाल की उन्होंने याद दिला दी। उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छोड़ दे, छेड़ दे, तो फिर छोड़ते भी नहीं। असल में वहीं से आरंभ करना चाहता हूं, बेहतर होता वो आज यहां उपस्थित होते। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपक, चक्रव्यूह, और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुन तैसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपक में तो धोखे से ही हराया गया था, और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभु भावी युगे युगे। हमको तो कन्हैया याद आते हैं। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया? ठगी किसने की? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। अब बात नीट पेपर लीक पर आए सुप्रीम फैसले की करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुना दिया है, और फैसला यह है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही कि यह कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक बड़े स्तर पर नहीं हुआ है, पेपर लीक का असल केवल असर जो है पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। तो यह बड़ा फैसला नीट को लेकर, यानी आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह साफ कर दिया गया कि यह मुद्दा 24 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ है, जबकि पेपर लीक का फायदा सिर्फ 155 छात्रों को मिला, यानी 155 छात्रों ने जो किया उसकी सजा देश के 24 लाख छात्रों को नहीं मिलेगी। लेकिन भविष्य में इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए कोर्ट ने एनटीए की ढांचागत खामियों पर भी ध्यान दिया है और तमाम उसने गाइडलाइंस दिए हैं।
वो भी जान लीजिए क्या क्या गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए भविष्य में ऐसी लापरवाही से बचे, एनटीए प्रश्न पत्र बनाने से लेकर परीक्षा खत्म हो जाने तक कठोर जांच सुनिश्चित करे। इसके अलावा पेपर को खुले ई रिक्शा से सेंटर तक ना ले जाया जाए, रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम से बंद गाड़ी से पेपर भेजा जाए। तो नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसले को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही सही ठहराया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया कि सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिपा सकता है, लेकिन सत्य की सदा ही जीत होती है। निष्कर्ष और फैसला उस दुष्प्रचार को सिरे से खारिज करता है जो फैलाया जा रहा था। सत्ता पक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात को सही ठहराया है और विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी कि परीक्षा में विसंगतियां थी। द गवर्नमेंट हैज ऑल अलोंग सेड दैट द क्वेश्चन पेपर लीक वाज लिमिटेड टू वन और टू प्लेसेस एंड इट वाज एंड इट हैड नॉट इंपैक्टेड द होल ऑफ द एग्जामिनेशन। दिस इन अ वेरी मिस्चिवस एंड इरेस्पॉन्सिबल मैनर राहुल गांधी एंड द ऑपोजिशन kept demanding for a re-examination for all the 23 lakh people, students in the country. गड़बड़ी तो है, ये तो आ गया कि गड़बड़ी है इसमें। तो जब गड़बड़ी है तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इम्तिहान हो रहे हैं भर्ती के लिए या लोगों की पढ़ाई के लिए, उनमें जो है पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, गड़बड़ियाँ हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मोहर लगाई कि हाँ गड़बड़ी है। सरकार शुरू से इस बात को कह रही थी कि जो परीक्षा हुई है नीट की वो पारदर्शी तरीके से हुई है, अब कहीं इंडिविजुअल बेसिस पर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन लीक हुआ तो उस पर जो उसकी एजेंसी है जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। एक ही नंबर 67 बच्चों को कैसे मिल गया? दसवीं के बच्चे से अगर आप पूछिए वो भी कहेगा ये गड़बड़ी और घोटाला हुआ है। नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जो री एग्जाम की मांग है कि नीट का दोबारा नीट की दोबारा परीक्षा कराई जाए उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। अब बात करेंगे उत्तराखंड और हिमाचल में जारी कुदरत के कहर की। इन दोनों ही राज्यों में जल प्रहार लगातार जारी है, मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों लोगों की जान मुश्किल में फंस गई है। इधर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, अब तक सैकड़ों लोग सुरक्षित बचाए जा चुके हैं, हालांकि अभी भी बहुत लोग लापता बताए जा रहे हैं। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही, केदारनाथ से कुल्लू तक आसमान से बरसी मौत, टूटे पहाड़ आफत बादल फाड़। अगस्त का ये महीना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए तबाही का मंजर लेकर आया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यानी दोनों पहाड़ी राज्यों में आसमान से मौत बरसी है। कुदरत के इस कहर के सामने लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हालत ये है कि जहां भी नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड भी कुदरत के प्रकोप से अछूता नहीं है। केदारनाथ से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां जिस तरह से पहाड़ से पत्थरों के गिरने का वीडियो सामने आया उसे देखकर कोई भी सहम जाएगा। लैंडस्लाइड की वजह से वहां कई रास्ते बंद हो गए जिसके बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अब तक 2200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रास्ते में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। लोगों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद सीएम धामी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं।
आदरणीय गृहमंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव एक एक तीर्थयात्री, एक एक श्रद्धालु, एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तबाही की तस्वीर सोन प्रयाग से भी सामने आई। जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ टूटते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि मलबा गिरने की वजह से वहां कई रास्ते बंद हैं। एसडीआरएफ की टीम लोकल लोगों की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है और मंदाकिनी नदी के किनारे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऐसी तबाही मची कि लोग देखते ही रह गए। यहाँ मलाना डैम टूटने से पार्वती नदी उफान पर है। नदी की तेज धारा अपने साथ 3 मंजिला सब्जी मंडी को बहा कर ले गई। बताया जा रहा है कि उस इमारत में 12 दुकानें, 8 कमरे और 2 दफ्तर थे और अब नदी की गोद में सिर्फ इमारत का मलबा ही नजर आ रहा है। नदी के कटाव की वजह से इस इलाके का मुख्य रास्ता भी बह गया है और अब जो इमारतें नदी के किनारे खड़ी हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। मंडी में भी कुदरत का कहर देखने को मिला। वहां बादल फटने से जो तबाही मची है उससे हालात बहुत भयानक हुए हैं। यहां बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड भी हुआ जिसकी चपेट में 3 घर आ गए थे। अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं और कई लोग लापता हैं। पूरे इलाके में युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडी में एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहीं लोग मलबे में दबे अपनों की तलाश में जुटे हैं। परिवार के तीनों सदस्य चले गए। एक मेरी धोती गई, एक मेरी घरवाली गई, एक मेरी माँ गई और साथ में घर भी बह गया और कुछ नहीं रहा। मेरी गुहार है, मेरे पशु पड़े 4, वो पशु मेरे गवर्नमेंट संभाले और गौशाला में छोड़ दो, मेरे को कोई देखने वाला नहीं है। मैं गांव में कितने घर जो है वो ढह गए, इसमें कम से कम याद नहीं आ रही, मैं पजल हो चुका हूँ। जब 11:15 बज रहे थे रात को, उस टाइम भूकंप हो गया सर, ठीक है। उसके बाद जो जैसा मैं दूसरे घर मकान से इधर आया तो मैंने देखा उधर वाले मकान गए, उधर का मैंने देखा यहाँ जाए पूरे का पूरा जो हो गया था। शिमला में भी लैंडस्लाइड की वजह से तबाही हुई है। यहाँ जमीन खिसकने की वजह से मलबा कई गाड़ियों पर गिर पड़ा जिससे लोगों को खासा नुकसान हुआ। इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गए तो पेड़ गिरने की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए। उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में इन दिनों बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। कर्णप्रयाग में भी अलकनंदा नदी उफान पर है जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की है। रामनगर में भी नदी नालों के उफान की वजह से सड़कें बह गई हैं और कई पेड़ उखड़ गए जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। बारिश के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डैम लबालब हो चुके हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, हम 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर पानी हाहाकार मचा रहा है। नर्मदापुरम में तवा डैम के 9 गेट खुलने पड़े हैं, भोपाल के भदभदा डैम के भी गेट खोले गए हैं, जबकि सीहोर में कोला डैम के 4 गेट खोले गए, 7 मीटर तक खोल दिए गए हैं। उधर छत्तीसगढ़ में सूरजपुर में पावर प्लांट का डैम खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। हालांकि यहां जो डैम के दरवाजे हैं वो फिलहाल नहीं खोले गए हैं। धमतरी में गंगरेल डैम के 14 गेट खोलने पड़े हैं। धमतरी में जो गेट है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस लिहाज से जांच के लिए इन्हें खोला गया है। और इसी बीच कांकेर के कोयली बेड़ा से जान जोखिम में डालते हुए लोगों की तस्वीर भी सामने आई है। यहां एनीकट डैम को पार करते हुए लोग दिखाई दिए। 6 तस्वीरें आपके सामने। और अब बात खेल की। 52 साल बाद हॉकी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। तो ग्रुप मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया है। स्पेन को हराकर तीरंदाजी की है।
इसके अलावा सेमीफाइनल में पहुंच चुका है भारत, मिक्स मुकाबले में स्पेन की टीम को हराकर सेमीफाइनल में भारत पहुंचा है। धीरज बोमदेवरा और अंकिता भगत ने ये जीत दर्ज की है। इसके अलावा 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु भाकर पहुंच चुकी हैं और कल दोपहर 25 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल होना है। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीत चुकी हैं मनु भाकर। खेल की दुनिया से खुशखबरी के सिलसिले लगातार जारी, हॉकी, शूटिंग, तीरंदाजी, अब सभी की निकाहें मनु पर टिकी हुई हैं। मनु भाकर वैसे भी एक रिकॉर्ड बना चुकी हैं और कल के मेडल के साथ वो 3 मेडल जीतने वाले का एक रिकॉर्ड बना लेंगी भारत के लिहाज से। हॉकी में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराया है। इधर भिलाई के डीपीएस स्कूल में कोहराम मचा हुआ है। पेरेंट्स ने स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर क्यों मचा है बवाल? संगीन इल्जाम आपको भी हैरान कर देंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल रिसाली का आज पेरेंट्स ने घेराव कर दिया है और दिखाना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पेरेंट्स पहुंचे हुए जो सुबह से ही स्कूल का घेराव कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं और स्कूल का घेराव कर रहे हैं। ये पूरा मामला बताया जाता है कि एक बच्चे के साथ गलत काम होने का है, जिस वजह से ये पेरेंट्स भड़क उठे हैं और पेरेंट्स का कहना है कि कहीं इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बेवकूफ नहीं है, अपने बच्चे की बदनामी करेगा या अपने स्कूल को यहाँ पर पनी ये करेगा, उनको ये कर दिया है ना, निकाल दिया है ना बच्चे को स्कूल से, तो कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहेगा ना सर। कुछ हुआ होगा तभी इतना बड़ा कांड हुआ। प्रबंधन गोलमोल घुमा रहा है सभी पेरेंट्स को, कोई उचित जवाब और सही जवाब दे नहीं रहा है। एक तरफ एक घटना होती है 5 तारीख को, ठीक है, लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन उसमें अभी तक कोई जांच नहीं हुई, उचित जांच। और जब पेरेंट्स थाने जाता है तो थाने में उसकी FIR नहीं लिखी जाती है। स्कूल में कोहराम मचा है, पेरेंट्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है। यहाँ पेरेंट्स सवाल कर रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा का क्या, हमारे बच्चे स्कूल में कितना महफूज हैं? भिलाई का नामचीन दिल्ली पब्लिक स्कूल रिसाली DPS में आखिर क्यों पेरेंट्स को मोर्चा खोलना पड़ा? क्यों सैकड़ों की तादाद में पेरेंट्स को यहाँ आना पड़ा? माहौल को भांपते हुए क्यों पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा? तो पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। दो सवालों के घेरे में है भिलाई का DPS स्कूल। दरअसल 1 महीने पहले 5 साल की मासूम बच्ची के साथ गंदी हरकत, छेड़खानी की खबर आई थी। आरोप लगा था मासूम बच्ची के साथ गलत काम हुआ। कल मुझे ये जानकारी मिली कि 5 या 6 जून की घटना है, ये किसी बच्ची के साथ में छेड़छाड़ हुआ है DPS स्कूल में। तो मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि ये मामला जो है 5 या 6 जून का था और बच्ची के परिजन ने बच्ची का मेडिकल कराया है और उसमें ये मेडिकल में पुष्टि हुई है, लेकिन इस स्कूल प्रबंधन जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। स्कूल प्रबंधन साफ मुकर रहा है कि इस प्रकार की कोई भी घटना हमारे स्कूल में नहीं हुई है। इधर स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के पेरेंट्स का आरोप है कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ। आरोप है कि इस मामले को स्कूल प्रबंधन दबा रहा है। तो उस बच्ची के साथ पेरेंट्स का ऐसा कहना है कि मतलब जांच हुई, मेडिकल टेस्ट, तो उसमें कुछ ऐसे चीज निकले हैं जिससे पता चला है कि वो मतलब उसके साथ छेड़खानी हुई है। इधर जांच में पुलिस वाले कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। DPS स्कूल के गार्जियन और पेरेंट का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया हुआ था, जिस पर प्रिंसिपल के द्वारा अंदर ला करके बैठा करके उनसे चर्चा की जा रही थी। इस बीच इनकी संख्या अधिक था, इसलिए पुलिस बल भी मौके पर आए हुए हैं।